हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल, और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ हम तैयारी कर रहे हैं एमपी वर्ग वन कॉमर्स और एस्टेट की। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। 5 और 6 इनकी डेट्स भी आ चुकी हैं। एस्टेट ने अपना सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया है, तो बस अब इंतज़ार है आपके एग्ज़ाम देने का। एग्जाम्स कोई भी सक्सेसफुल तब होता है जब प्रिपरेशन होती है, और प्रिपरेशन तब होती है जब आप अपना 100% कंट्रीब्यूट करते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलते हो कि भाई हाँ, हम एग्जाम्स क्रैक करके रहेंगे। अगर आपके सामने दो रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट, और आप वहाँ पर असमंजस में फंसे हुए हैं कि भाई किस तरफ मुड़ना है, तो आप पजल्ड भी होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे सीधा ही जाना है और ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद मेरे को कोई ऑप्शन पर काम नहीं करना है, जो भी है फाइनल यही है, तो आप उसके टूवर्ड्स और ज़्यादा क्या है अपना डेडिकेशन के साथ मेहनत करने लग जाते हो। तो अगर आप इसको अपनी लास्ट मान करके चलोगे ना कि भाई ये हमें इस एनी हाउ करना है, इस बार हमें करना है कुछ भी करके, तो वो आसानी से ना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर माइंड और आपका जो बिहेवियर है वो उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी अचीवमेंट और सक्सेस के लिए। ठीक है, तो किसी भी बात को लेकर के परेशान नहीं होना है, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बस आप जित आप मतलब कम समय ज़्यादा है कि कम है एक दूसरा मैटर है, लेकिन इतने कम समय में आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं कि आपको ये कहने का मौका ना मिले कि नहीं भाई कहीं ना कहीं मेरे ही पढ़ाई में क्या है कमजोरी रह गई थी या कमी रह गई थी, या मैं ही सही से नहीं कंट्रीब्यूट कर पाया। आपको 100% सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि नहीं भाई, जैसे मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, तो मैं ये एक 100% सेटिस्फेक्शन अपने माइंड में ले आता हूँ कि नहीं भाई, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो वैलिड है, जेन्युइन है, और वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने कहीं पर भी मेरे को लगता है कि नहीं भाई ये रिलेवेंट है, क्योंकि बहुत ईजी ईजी और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को फ्रेम करना है ना, और उन्हें प्रेजेंट करना बहुत आसान है। देखिए, आसान चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, कम समय लगता है, एनर्जी कम खत्म होती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ और अपने आप को ये फील करा रहा हूँ कि भाई हाँ, जो मैं दे रहा हूँ आई एम सेटिस्फाइड विद इट, राइट। तो उस चीज़ का एडवांटेज मिलता भी है ना। तो एक ये चीज़ है कि आप अपने आप को ये एहसास कराएं कि जो आप कर रहे हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन यू आर इन अ राइट वे, राइट, कि ये एक चीज़ है। तो बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन चल ही रही है, और अगर कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेरी लग रही है, तो आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो लिंक हैं वो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर के मेरे से क्वेरी रेज कर सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन आपको दे दूंगा, पहली चीज़। दूसरी बात, जो बच्चे नए आए हैं, पीछे के हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप उनको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, ताकि आपको वहाँ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है, यही वीडियोस केवल मैंडेटरी नहीं है, केवल इन्हीं वीडियोस से काम नहीं चलेगा, यू शुड हैव टू ऑल्सो वॉच ऑल दीज वीडियोस, राइट, जो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक चीज़ है। तो चलिए अपना आज का जो कार्यक्रम है उसको बढ़ाते हैं। बाकी तो अच्छा, आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं, दिख भी रहा है, और एग्जाम्स भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव वाइब्स अपने माइंड में रखिए, ताकि वो चीज़ें आपको क्या कर सकें, हेल्प कर सकें, राइट। तो चलिए, ये आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किराया खरीद अधिनियम वर्ष में अधिनियमित है, हायर परचेज एक्ट इन एक्टेड इन द ईयर, किस ईयर में हायर परचेज एक्ट इनेक्ट हुआ था, 1971, 1972, 1973 या 1974, बताइए। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है,
1972 विल बिकम द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। तो पहले का बी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। नेक्स्ट, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हायर परचेज, रॉयल्टी, इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट, और ये जो टॉपिक्स हैं इनसे एनपीओ है ना, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड आज हम लोग क्या है एमसीक्यूज करने वाले हैं ना, ठीक। चलिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आज डाले हैं, है ना। किराया खरीद अधिनियम कब से लागू हुआ, हायर परचेज एक्ट कम्स इनटू फोर्स विद एन इफेक्ट फ्रॉम, कब आया और कब लागू हुआ। तो आया 1972 में और लागू कब हुआ, 1 सितंबर 1973 में, ठीक। दोनों क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इनेक्ट की बात आएगी 72 है। अच्छा, कभी ये भी पूछ लेगा हायर परचेज एक्ट, बताइए 1972 1973, वही सेम 1970, चलो यही दोनों रहने दो, बताइए। तो हायर परचेज एक्ट 1972, जिस दिन वो इनेक्ट होता है वो ईयर हम लिखते हैं, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शुद्ध किराया खरीद मूल्य को बाहर रखा गया, नेट हायर परचेज प्राइस एक्सक्लूडेड, इसमें से किसको बाहर रखा जाएगा, वितरण व्यय को, पंजीकरण शुल्क को, बीमा की लागत को, या सभी को, बताइए। हायर परचेज से आप किसको बाहर रखोगे, तो हायर परचेज की जब हम बात करते हैं तो हायर परचेज से हम ना तो डिलीवरी एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं, है ना, और ना ही रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और ना ही कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड करते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से क्या रहेंगी, बाहर रहेंगी। तो सभी जो है इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, किराया खरीद समझौते के समय भुगतान की गई राशि को किस रूप में जाना जाता है, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज, किस्त, डाउन पेमेंट, नगद मूल्य, या किराया खरीद मूल्य। जब आप हायर परचेज सिस्टम अडॉप्ट करते हो तो उस वक्त जब आप एग्रीमेंट करते हो तो उस एग्रीमेंट के वक्त आपको कोई अमाउंट पे करनी पड़ती है ना, जैसे आपने गाड़ी खरीदी है हायर परचेज पर, तो जब आप गाड़ी खरीदोगे तो जब आपको और जो सेलर है उसके बीच में, मतलब जो, ठीक है ना, हायर है, हायरर और जो हायरी है उनके बीच में जो डीलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके, तो उस वक्त जो है जो ले रहा है, लेने वाला व्यक्ति देने वाले व्यक्ति को कुछ अमाउंट पे करता है ना एग्रीमेंट के वक्त, तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट, कैश प्राइस, या हायर परचेज, बताइए। तो डाउन पेमेंट, क्या कहते हैं उसको हम, डाउन पेमेंट, ठीक। नेक्स्ट, किराया खरीद प्रणाली में नगद मूल्य और ब्याज के रूप में जाना जाता है, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज, तो ये किस रूप में ये जाना जाता है, तो इसका परिसंपत्तियों का बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य, परिसंपत्तियों का पूंजीगत मूल्य, परिसंपत्तियों का किराया खरीद मूल्य, यस, किराया खरीद मूल्य, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट, क्लियर। नेक्स्ट, किराया खरीद परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास का दावा किसके द्वारा किया जाता है, डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट्स इज क्लेम्ड बाय, विक्रेता, किराया खरीद, खरीददार, या विक्रेता, बताइए। किराया खरीद, किसके द्वारा, किराया खरीद। नेक्स्ट, किस्त भुगतान प्रणाली के तहत माल का स्वामित्व, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स, स्थानांतरण के समय किया जाता है, अंतिम किस्त के समय किया जाता है, स्थानांतरण नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसमें जो गुड्स की ओनरशिप है वो कब ट्रांसफर की जाती है, तो ट्रांसफर तो की जाती है, तो ये तो कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ट्रांसफर तो की जाती है, कब की जाती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी, जब एग्रीमेंट होगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में जब आपका डाउन पेमेंट हो जाता है ना, तो उसी ही वक्त क्या हो जाता है, आपका जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, तो पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही चला जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट,
वह व्यक्ति जिसने किराया खरीद समझौते के तहत मालिक से माल के कब्जे की डिलीवरी प्राप्त की, उसे क्या कहा जाता है? द पर्सन हु ऑब्टेंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द ऑनर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज, ऑब्वियसली हायरर ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिसने पोजेशन ली है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो वो कौन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हायरर ही कहलाएगा, किराए पर लेने वाला। ठीक, माल के शुद्ध किराया खरीद मूल्य और शुद्ध नगद मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? द डिफरेंस बिटवीन द नेट हायर परचेज प्राइस एंड नेट कैश प्राइस ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज हायर परचेज शुल्क, मतलब किराया खरीद शुल्क, किस्त, डाउन पेमेंट। या देखिए, डाउन पेमेंट पहली बार दिया जाता है तो ये होगा नहीं, किस्त हर बार दिया जाता है तो ये होगा नहीं, लेकिन अगर आपकी जो गुड्स है ना, आपकी जो गुड्स है, जैसे सपोज करो आपका हायर परचेज प्राइस है और कैश प्राइस है, जैसे आपने किसी भी चीज़ को 7,50,000 में खरीदा और वास्तव में उसका जो शुल्क है वो है 7 लाख रुपए, तो ये जो 50,000 रुपए हैं ये आपने किस चीज़ के एडवांस, किस चीज़ के एक्स्ट्रा दिए हैं? तो ये आपने दिए हैं हायर परचेज चार्जेस। किसके दिए हैं? हायर परचेज चार्जेस। क्लियर है? नेक्स्ट, समझौते के तहत किराएदार द्वारा समय समय पर देय राशि, तो समय समय पर क्या दिया जाता है? इंस्टॉलमेंट, कंसोलिडेशन, हायर, नन ऑफ दीज, किश्त, कीकरण, किराया या इन किराया। वो अगर यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो इंस्टॉलमेंट जाता, दोनों में छोटा सा अंतर है बस, है ना? तो यहाँ पर किराया जाएगा, जैसे आपने कोई चीज़ किराए पर ली, किराए, है ना, तो आप उसका किराया दोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, समाप्ति के लिए मालिक के अधिकार की धारा, सेक्शन ऑफ राइट टू ऑनर ऑफ टर्मिनेशन। अगर आप अपना जो मालिक का अधिकार है अगर उसको समाप्त करना चाहते हो तो किस सेक्शन में इसके प्रावधान दिए हुए हैं? 17AD, 1920, तो सेवन सॉरी 19 में इसके जो है प्रावधान दिए गए। वैसे इतना डेप्थ में नहीं आएगा, बट मैंने एक क्वेश्चन ये डाल दिया था। ठीक, नेक्स्ट, किराया खरीददार मालिक को लिखित में कम से कम कितने दिन का नोटिस देने के बाद किराया खरीद समझौते को समाप्त कर सकता है? जैसे तो अभी हमने पढ़ा ना, 9 सेक्शन 9 में ये प्रोविजन दिया, तो वहां पर एक चीज ये भी है कि कितने दिन का नोटिस कम से कम आपको देना होगा, 14, 21, 51 या 41। तो एक 14 दिन का जो नोटिस है वो आपको देना होता है अपना एग्रीमेंट समाप्त करने के लिए। क्लियर है? किराया खरीद में अधिकतम वैधानिक शुल्क किश्त डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इन हायर परचेज द मैक्सिमम स्टेचुअरी चार्जेस शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द इंस्टॉलमेंट, तो कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए चार्जेस इंस्टॉलमेंट से? 30%। कितना? 30% से ज्यादा चार्जेस नहीं होने चाहिए। किराया खरीद मूल्य माइनस नगद मूल्य, कुल ब्याज, क्या आ जाएगा? कुल ब्याज। डाउन पेमेंट नहीं होगा, शेयर नहीं होगा, शेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये खत्म। इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? टोटल इंटरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट, किराया खरीद देनदार को किस रूप में भी जाना जाता है? ग्राहक के साथ स्टॉक, ये तो होगा नहीं। दे किस्त, पता नहीं क्या है। उपरोक्त तो दोनों जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब ये बचे, तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बचे। हायर परचेज डेटार इज ऑल्सो डेटार इंस्टॉलमेंट ड्यू, क्या? इंस्टॉलमेंट ड्यू। नेक्स्ट, किस्त भुगतान इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला आ गया। किस्त भुगतान प्रणाली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? खरीद मूल्य का भुगतान सहमत किस्त में किया जाता है। अच्छा, खरीद मूल्य का भुगतान सहमत किस्त में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जितनी किस्त सहमत होगी उतनी तो आप पेमेंट करोगे, तो बिल्कुल बात सही होगी। किस्त के भुगतान में चूक पर विक्रेताओं को माल वापस लेने का अधिकार है, ऐसी बात तो नहीं हो सकती है। एक बार इसको डाउट में डाल देते हैं।
क्रेता संपत्ति खाता, विक्रेता का खाता, ब्याज सस्पेंस खाता, उच्चांत खाता जिसको हम कहते हैं, तैयार करता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, तीन अकाउंट तैयार किए जाते हैं। खरीददार को डिलीवरी प्राप्त करने के बाद किसी भी समय संपत्ति बेचने का अधिकार है। हाँ, इंस्टॉलमेंट मेथड में है, लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो भाई तीन तो सही जा रहे हैं, एक में डाउट बन रहा था, तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा, किस्त भुगतान प्रणाली के मामले में विक्रेता द्वारा प्राप्त कुल ब्याज किसको जमा किया जाता है? इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। अभी हमने पढ़ा था किसमें क्या, किसमें जाएगा, ब्याज उच्चांत खाता, ब्याज खाता, बिक्री खाता, या इनमें से कोई नहीं। भाई बिक्री तो खाता जाएगा नहीं, क्योंकि माल बेचने की कोई बात नहीं हो रही है। अब इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा या इंटरेस्ट सस्पेंस में जाएगा? तो यहाँ जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, ना कि इंटरेस्ट अकाउंट में। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, यदि खरीदार किस्त बनाने में विफल रहता है तो विक्रेता को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द सेलर डू इफ द बायर फेल्स टू मेक द इंस्टॉलमेंट? खरीदार पर मुकदमा कर देना चाहिए, अपनी संपत्ति वापस ले लेनी चाहिए, खरीदार से मुआवजा प्राप्त कर लेना चाहिए। आप सभी काम कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से तो आप सभी काम मत करो, अपनी संपत्ति ही वापस ले लो कि भाई तुमसे इसका किराया नहीं भरा जा रहा है, मुझे वापस दे दो। जैसे आप बचपन में नोटबुक्स दिया करते थे ना अपने क्लासमेट्स को, तो जब वो सही नहीं रखता था तो आप उसको नहीं देते थे कि भाई तुम मेरी नोटबुक मुझे वापस दे दे। क्लियर है? तो आप अपनी संपत्ति वापस ले लो, भाई तुम पे नहीं हो पाएगा ना। नेक्स्ट, विभागीय खातों में खराब ऋण क्या है, बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इज, सामान्य लाभ और हानि खातों के लिए शुल्क लगाया जाता है। शुल्क की तो बात इसमें होती नहीं है, बैड डेप्ट में विभाग के बीच समान रूप से विभाजित, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। देनदारों पर विभाजित के आधार पर विभाजित, हाँ खराब बैड डेप्ट तो डेटार से रिलेटेड होते हैं। चलो ये देख लेते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्रेडिट बिक्री के नहीं, क्रेडिट बिक्री का कोई सेंस नहीं है बैड डेप्ट का। ठीक, तो किससे रिलेटेड है ये, डेटार से रिलेटेड है प्योरली। ठीक, तो ये आप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बैड डेप्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत कर गया भाई। डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटार, डिवाइडेड ऑन द बेस, क्रेडिट सेल ही तो आएगा, क्रेडिट सेल में ही तो जाता है डेट। ठीक है, ये यही वाला सही जाएगा, क्रेडिट सेल डेटार। ठीक, ये बनेगा भाई, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल बाय डेब्ट। नेक्स्ट, एक विभाग ने बी विभाग को लागत पर +25% माल दिया। +25 तो ये हो गया और 25% ये हो गया। इसमें से 10,000 रुपये का स्टॉक बी विभाग के पास रहता है, इसलिए स्टॉक रिजर्व की राशि कितनी होगी? 10,000 का स्टॉक रहता है, 25 हो गया प्लस कॉस्ट, तो ये हो गया 2,00,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 125, 125 दुनी 250, तो 2,000 आंसर आना चाहिए। ये हो गया करेक्ट आंसर, स्टॉक रिजर्व। क्लियर है? इतने का स्टॉक रिजर्व कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, शाखा लेखांकन की विधि क्या है? मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग आर, स्टॉक और देनदार विधि, अंतिम खाता विधि, थोक शाखा, आय वितरण प्रणाली, विवरण प्रणाली, स्टॉक एंड डेटार मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, होलसेल ब्रांचेस मेथड, या इनकम स्टेटमेंट सिस्टम। बताइए, शाखा लेखांकन, ब्रांच अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड हैं? तो इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूं, ऑल क ख घ घ ण सभी, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है कौन सा है। क्लियर है? तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि प्रधान कार्यालय ने शाखा को 1,00,000 रुपए का सामान भेजा, लेकिन शाखा को वर्ष की 31 मार्च तक केवल 65,000 रुपए का सामान प्राप्त हुआ, तो शाखा की पुस्तकों में प्राप्त की जाने पास की जाने वाली प्रविष्टि क्या होगी? मैंने आपको 1,00,000 का माल बेच दिया, जिसमें से 65,000 का आपको प्राप्त हो गया, तो 35,000 का माल कहाँ गया? वह भी रास्ते में है, मैंने ठगा नहीं है, मैंने ठगा नहीं है,
व्यापार व्यवहार से चलता है, मैंने ठगा नहीं है। वो क्या है कि माल मैंने दो अलग अलग उसमें भेजा शिफ्ट में, एक माल अलग लेकर के गया, दूसरा माल अलग लेकर के गया, तो उससे क्या हुआ, कोई भी रीज़न मान लो, चलो उसका मानो मेरी कॉस्ट ही बच गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई, तो हुआ क्या कि 65,000 का एक साथ माल बेचा, 35,000 का एक माल बेचा, तो 65,000 का जो पहले माल गया वो रिसीव हो गया, बाकी जो 35,000 का है ऐसा नहीं है वो नहीं भेजा है, बस वो ट्रांजिट में है, मतलब माल जो है सो सड़क पर है, पहुंच जाएगा कुछ टाइम में आपके पास, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। तो माल जब बेचा है तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स ट्रांजिट में है, तो गुड्स अगर ट्रांजिट में है तो वो डेबिट हो जाएगा, स्टॉक है, और जो हेड ऑफिस से निकल करके गया तो पहली वाली एंट्री से ही हो जानी चाहिए, नो एंट्री का तो सवा है, ये भी गलत है, 65,000 तो वैसे ही गलत हो जाएगा। मेरे बच्चे एक ही आंसर से ही जा रहा है क्या, क्लियर है? नेक्स्ट, जब माल को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें क्या जाता है, अंतर विभाग स्थानांतरण, बाहरी विभाग स्थानांतरण, स्थानांतरण नहीं है, नियमित स्थानांतरण बताइए। एक विभाग से दूसरे विभाग, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एक, जैसे सपोज करो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एक भाग ये है और एक भाग ये है, तो इन्होंने क्या करा, इस विभाग से माल इस विभाग में ट्रांसफर कर दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा, इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर, अदर आउटर डिपार्ट, तो क्या यहाँ पर आउटर है क्या, नहीं, तो ये तो कट गया, क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, क्या ये रेगुलर ट्रांसफर रहेगा, पता नहीं सर, लेकिन हाँ ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जरूर है, ये बात बिल्कुल सही है, क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आश्रित शाखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट है, यह शाखा केवल उन वस्तुओं को बेचती है जो प्रधान कार्यालय से प्राप्त हो, बिल्कुल नहीं, शाखा द्वारा, एक मिनट, सही नहीं है, तो सही है, तो बात मैं वही तो कह रहा था, सही क्यों नहीं है, तो सही बात है, बिल्कुल सही नहीं है पूछा, तो बिल्कुल सही बात है, जो माल रिसीव होगा वही तो बेचा जाएगा, शाखा द्वारा छोटे खर्चों का भुगतान किया जाता है, पर शाखा में या तो साधारण छोटी नकदी के रूप में या भ्रष्ट प्रणाली पर छोटे नगद खाते तैयार किए जाते हैं, पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच एंड पेटी कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द ब्रांच आइदर सिंपल पेटी कैश बुक और इम्पोस्ट सिस्टम, दो मेथड है, तो सिंपल है कि इम्पोस्ट, लेकिन उन्हें बनाया जाता है, क्लियर, तो ये बात सही है क्या गलत है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही निकल गया। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस, जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी के सभी ब्रांच के द्वारा पे किया जाता, सॉरी हेड ऑफिस के द्वारा पे किया जाता, कौन करेगा, हेड ऑफिस ही पे करेगा, तो ये भी सही हो गया। तो अब एक लौता बचा, सच डिपार्टमेंट्स मेंटेन देयर ओन बुक ऑफ अकाउंट्स, ऐसे विभाग अपनी बही खाता के रख रखाव स्वयं से करते हैं, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली फॉल्स, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, एक शाखा जो सभी लेखांकन लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखती है, पूरा रिकॉर्ड रखती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ए डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, लोकल या फॉरेन ब्रांच, इंडिपेंडेंट, कैसी ब्रांच कहा जाएगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच, क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय विभिन्न विभागों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी अपोर्शन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऋण और डिबेंचर पर ब्याज, विज्ञापन, अग्नि बीमा प्रीमियम या मशीनरी का मूल्य ह्रास और मरम्मत, क्या विभाजित नहीं हो सकता भाई, ये सारी चीजें विभाजित हो सकती है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर विभाजित नहीं होगा, क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ नए से क्वेश्चन लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे हैं बताओ फटाफट से जरा, और अगर लग रहे हैं तो लाइक वाइक कर दो यार, ऐसी कंजूसी क्यों कर रहे हो, है फटाफट से लाइक कर दो चलो वीडियो को। 28 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, खनन पेटेंट रॉयल्टी किस पर आधारित है, देखिए बड़े बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ जो है आपका रहेगा, नहीं बहुत नॉर्मल पेपर, मॉडरेट पेपर रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ते आपको बेसिक्स आता हो कर लोगे, मुझे इतना यकीन है। तो खनन और पेटेंट रॉयल्टी किस पर, माइनिंग
और पेटेंट रॉयल्टीज बेस्ड ऑन उत्पादन, बिक्री, खरीद और ए भी बताइए। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो उत्पादन जाएगा। ठीक, माइनिंग, माइनिंग रॉयल्टी है, ठीक, चाहे आपकी पेटेंट रॉयल्टी है, दोनों ही किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से। लेकिन अगर आपका आ रहा है कॉपीराइट रॉयल्टी, तो ये किस पे जाएगा, सेल्स पे जाएगा, बिक्री पर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूनतम किराया है, मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को डेड रेंट भी बोलते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा डेड रेंट। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम रेंट को क्या कहा जाता है, ये इसको और क्या कहा जाता है, तो उसके चार पांच नाम है, तो वो देखना। तो न्यूनतम किराया क्या है, न्यूनतम किराया वो है कि जो हम लैंड या फिक्स्ड एसेट्स यूज कर रहे हैं, उस यूज करने के बदले जो हम एक पेमेंट उसको दिया जाता है, उसको कहते हैं हम मिनिमम रेंट। उसको क्या कहते हैं, मिनिमम रेंट। क्लियर है? तो व्हाट इज मिनिमम रेंट, भूमि के उपयोग के लिए भुगतान जो निर्धारित है, भुगतान उत्पादन के लिए उपयोग और आधार पर भुगतान गलत हो गया, मालिक को किया गया भुगतान, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो दो तो वैसे कट गए, इसको भी काट ही, तो यही क्यों बच रहा है। तो भूमि के उपयोग के लिए जो भुगतान है निर्धारित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मिनिमम रेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, एक होता है शॉर्ट वर्किंग, एक होता है सरप्लस। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला बताना है आपको, न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी, पूंजी माइनस रॉयल्टी, नगद राशि सॉरी नगद माइनस रॉयल्टी, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या करेक्ट आंसर आपका जाएगा इस क्वेश्चन में। तो मेरे हिसाब से जो आपका हायर परचेज माइनस रॉयल्टी किसमें बनता है, शॉर्ट वर्किंग में बनता है। और वहीं पर अगर रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट हो जाता, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता, सरप्लस में, ठीक है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता, सरप्लस में। नेक्स्ट, रॉयल्टी खाता क्या है, रॉयल्टी अकाउंट इज नॉमिनल है, नाममात्र है, वास्तविक है, रियल है, व्यक्तिगत है या पर्सनल है, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, इनमें से कोई ना कोई सा होना तो स्वाभाविक है, बाकी कौन सा है ये समझने वाली बात है। तो रॉयल्टी जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने लघु कार्य। लघु कार्य मतलब शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मैंने भी क्या बताया था कि जो वास्तव जो आपका क्या बताया था मैंने भाई, और मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तो वही है। वास्तविक किराए की तुलना में न्यूनतम किराए की अधिकतम, मतलब न्यूनतम किराए जो मिनिमम रेंट है वो ज्यादा है। तो अगर मिनिमम रेंट ज्यादा की बात है, इसकी बात ज्यादा है, मिनिमम रेंट की बात ज्यादा है, तो वही शॉर्ट वर्किंग है। तो यही वाला आपका जो है वो करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पुनः प्रयोज्य लघु कार्य एक वर्तमान संपत्ति है, लैब शॉर्ट वर्किंग के लिए वास्तविक खाता है, लघु कार्य न्यूनतम किराए का हिस्सा है जो अधिकार के उपयोग से प्रतिनिधित्व करता है, या ए और बी दोनों। रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग इज अ करंट एसेट, नहीं, हाँ सॉरी, हाँ शॉर्ट करंट एसेट ही तो होती है वो। लैब शॉर्ट वर्किंग इज अ रियल अकाउंट, सही बात है। शॉर्ट वर्किंग इज द पार्ट ऑफ मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग इज द पार्ट ऑफ मिनिमम रेंट, ये एक चीज है, और ए और बी ये एक चीज है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फॉल्स, सत सत्य। तो लैप्स्ड शॉर्ट वर्किंग इज अ रियल अकाउंट, यही आपका क्या है, असत्य है, यही आपका क्या है, असत्य है, फॉल्स है। तो बी के साथ चले जाएंगे, 34 का बी। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने, पहले वर्ष में न्यूनतम खाता मिनिमम रेंट दिया हुआ है 1 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। 3 साल के लिए 10,000 रुपये, अच्छा 3 साल के लिए 10,000 रुपये, तो 1, 2, 3 कितना हो गया, 1,30,000। ठीक, आगे कह रहा है उसके बाद प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि प्लस 10% के छठे वर्ष में पूछ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, तो
1,30,000 का 10% प्लस कर दो, 1,30,000 का 10% इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1,43,000। अब इसमें 10% ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू 1,57,300, 1,57,300। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी संपत्ति के उपयोग के लिए निश्चित भुगतान को वित्तीय पट्टा कहा जाता है। फिक्स पेमेंट मेड फॉर यूज ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीज। बिल्कुल सही बात नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। रॉयल्टी का पुनर्युग्मन हमेशा आवश्यक होता है। रिक्विपमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी इन रॉयल्टीज। सही नहीं, जरूरी नहीं है ना कि हो ही, नहीं भी होती है कई बार। रॉयल्टी 44,000 है, न्यूनतम किराया 50,000 है, हड़ताल 2 महीने की है, डजेंट मैटर, इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मासिक भुगतान कितना किया जाएगा, 50,000। सिंपल क्वेश्चन समझ लो, उसका आंसर जो भी मिनिमम रेंट है वही होगा। क्लियर कहानी? नेक्स्ट, शुद्ध एकल प्रवेश प्रणाली के तहत केवल कौन से खाते रखे जाते हैं? अंडर प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल व्यक्तिगत खातों को ही रखा जाता है। क्लियर है? प्योर सिंगल एंट्री मेथड में केवल और केवल पर्सनल अकाउंट्स को ही क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है ना। नेक्स्ट, डैश प्रवेश प्रणाली के तहत व्यक्तिगत खाते, कैशबुक और अन्य सहायक पुस्तकों को अलग अलग रखा जाता है। तो सभी जो सब्सिडरी बुक्स हैं उनको अलग अलग मेंटेन किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग? शुद्ध एकल, अर्ध एकल, सरल एकल या दोहरी प्रविष्टि। तो अर्ध, क्वासी सिंगल। जब भी बात कहे इंडिविजुअलिटी की कि भाई सब्सिडरी बुक्स वो भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड करके रखते हैं तो उसको कहा जाता है क्वासी सिंगल। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती है, मेन जनरल वाली नहीं, डबल अकाउंटरी सिस्टम वाली नहीं, ये वाली। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश प्रवेश प्रणाली में वास्तविक या नाममात्र खाते के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इन डैश एंट्री सिस्टम नो रिकॉर्ड आर कीप फॉर रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। बताइए, तो जाहिर सी बात है सिंगल एंट्री सिस्टम तो वो तो प्योर में ही जाएगा, इसमें जाएगा वो तो प्योर में ही जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, एकल प्रवेश प्रणाली में डैश सिस्टम को संचालित करना मुश्किल है। इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट डैश सिस्टम। ए, शुद्ध एकल, एकल प्रविष्टि, आंतरिक नियंत्रण या अर्ध एकल, बताइए क्या सही है। इंटरनल कंट्रोल, क्या है? आंतरिक नियंत्रण। ठीक है भाई, आप इंटरनल कंट्रोल को क्या 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 है ऑपरेट नहीं कर सकते, वो अपनी जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वैसी तो बनती है, क्या आप उसको क्रिएट करते हो? नहीं, वो अपनी आप बन जाती है, उसका एडवांटेज भी मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश प्रवेश प्रणाली के तहत व्यक्तिगत खाते और कैशबुक अलग अलग रखे जाते हैं। अंडर डैश एंट्री सिस्टम पर्सनल अकाउंट एंड कैशबुक आर केप्ट सेपरेटली। किस में रखा जाता है, सिंपल सिंगल में, प्योर सिंगल में, कासी में या डबल एंट्री सिस्टम में? तो सरल जो है, सिंपल सिंगल सिस्टम जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारे जो है आखिरी क्वेश्चन आज का, अवर कार्य विवरण विधि जिसे किसके रूप में जाना जाता है? एकल प्रवेश प्रणाली, अर्ध एकल प्रवेश प्रणाली, कैपिटल कंपैरिजन विधि या डबल एंट्री सिस्टम? अंडर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज, उसको किसके रूप में और जाना जाता है? कैपिटल कंपैरिजन मेथड के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? कैपिटल कंपैरिजन मेथड के रूप में। यह है आपका आज का वीडियो जो हमने आज किया है। क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने आ ही चुके हैं आज, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, इनसे रिलेटेड एक बार आप रिवीजन कर लीजिए ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पहली चीज़। और दूसरी बात क्या है कि इस तरह से हम जो है धीरे धीरे कुछ कुछ चैप्टर्स का जो एक ग्रुप है, मतलब उसको कॉम्प्रेंसिव करके जो है
वीडियो डालते रहेंगे ताकि आपके वो जो यूनिट है पर्टिकुलरली वो भी हो जाए और सारे के सारे जो आपके कंटेंट हैं वो कवर हो जाए। मेरा मेरा जो मेन फोकस है वो आपका हर कंटेंट से एमसीक्यू निकाल करके लेकर के आना है। और मेरा विश्वास ही है, मतलब मेरा पर्सनली इस बात का मानना है, देखो मैं कोई गारंटी और श्योरिटी नहीं दे सकता तुम लोगों को कि बिल्कुल 100% आएगा, और ऐसा कहना बेवकूफ़ी कहलाती है कि भाई आपका पेपर यहीं से ही आएगा। पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। देखिए कोश क्या होता है कि हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होते हैं, उनके बेसिस पर हम फिर ये सोचते हैं कि क्या ये क्वेश्चन बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। अब उसमें से कितने ही क्वेश्चन जब हम कराते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है निकल करके वो आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं हम सबको कर लें ताकि क्वेश्चन को करके उसके सामने आने की पॉसिबिलिटीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है। 4, 5, 6 लाइक से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, यू आर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन द वीडियोज या एमसीक्यूज, तो कई बार ऐसा भी लगता है। तो जब तक आपका फीडबैक मेरे तक नहीं आएगा मुझे नहीं पता चलेगा, और तब तक मैं फिर आगे उस चीज़ पर काम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए खड़ा हूँ। जहाँ पर आपको कहीं पर भी आप पेड करते हो कुछ भी किसी भी तरह से करते हो, मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जा रहा, लेकिन जहाँ पर आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो नहीं उनके पास है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पे क्या हो सके, कनेक्ट हो सके और अपनी प्रिपरेशन कर सके। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि शिक्षा पर सभी का संपूर्ण अधिकार है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, देखें, समझें, एक्सेप्ट करें उन चीज़ों को और देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको जो पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते भी हैं इस चीज़ को, है ना। बाकी आजकल तो बढ़िया है, और बस चलिए मिलते हैं फिर, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है, कल नए टॉपिक्स और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है निकाल करके आपके सामने लाएंगे। उम्मीद है कि पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए, फालतू टेंशन सोचेंगे तो और माइंड पजल्ड होगा। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।